नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 15 जनवरी 2023 24 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में आज की क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों सबसे पहले आपको सभी को जो है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां आई, कहां कहां के प्याज आए। एक तो इसमें बड़े वाली अन्ना गाड़ी आई जिसमें कम से कम 1000 कट्टे आते हैं इसमें गाड़ी में। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास कहाँ कहाँ के माल आए, आज के क्या क्या रेट चल रहे, क्या पोजीशन है, कल के मुकाबला कैसी मार्केट चली जी। बाबू जी के पास तो सब बाबू जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। हमने बड़ी दूर से वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट हो गए कैमरा चले को जी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, माफी चाहता हूँ आपको वेट करना पड़ा। पर्ची पहले पर्ची बात चल तो, जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। हाँ जी हाँ जी, तो आप तो ब्राह्मण है जी, पहले बता दो जो मकर संक्रांति जी इनको पता नहीं है जी, इसमें क्या चीज है जी मेन। देखो जी मकर संक्रांति ये है कि आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। अच्छा जी, दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दिन बढ़ना भी शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दिन बढ़ना तो शुरू होता ही, वो तो कह देते हैं 25 दिसंबर से, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा जी, मकर संक्रांति से ही सूर्य बढ़ना चालू होता है, क्योंकि मकर संक्रांति को सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अच्छा जी, इसीलिए मकर संक्रांति का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है ये। अच्छा जी, यहाँ अपने यहाँ मकर संक्रांति होता है और जम्मू कश्मीर और पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। अच्छा जी, साउथ में इसको पोंगल के नाम से कहा जाता है। अच्छा जी, लेकिन ये है सब मकर संक्रांति। आज के दिन दिल्ली की खास विशेष बात ये थी कि दिल्ली से लगे सटे जो अपना कुरुक्षेत्र है जी, इसमें आज के दिन जब दक्षिण से उत्तरायण सूर्य नारायण भगवान आए थे, आज ही के दिन विषम पितामह ने अपने प्राण था, वो इसीलिए वो इतने दिनों तक वो बाणों की सैया पर इसीलिए पड़े हुए थे क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। अच्छा जी, और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणायन जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उस समय जिसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। अच्छा जी, तो इसलिए वो उत्तरायण सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे सूर्य, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अच्छा जी, जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं। अच्छा जी, तो आज से सूर्य उत्तरायण हो गए तो शुभ दिन चल गए, तो आज से ब्याह शादियों का सीजन त्योहारों का सीजन चल गया। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज ये बताओ जी मंडी में गाड़ियां कितनी हो रही बाबू जी। मंडी में भाई साहब गाड़ियां आज ताजी अराइवल जो है वो लगभग 75 गाड़ी है। अच्छा जी, और 31 गाड़ी 28-30 गाड़ी कल की खड़ी है नीचे। हाँ अच्छा जी, खड़ी गाड़ियां लगभग 108 गाड़ी करीब है। अच्छा जी, और लगभग 25-30 गाड़ी नीचे भी बैलेंस है। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी हाँ जी, तो ये आप ये समझ लीजिए कि आज नीचे ऊपर सब मिला करके 128-30 गाड़ी है करीब। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी हाँ जी, और ये अन्ना गाड़ी कहाँ की आई जी, अन्ना गाड़ी है आप बॉडी है ये सब नासिक की गाड़ियाँ जी, ये सारी नासिक की गाड़ी है जी। अच्छा, चारों पांचों गाड़ियाँ। हाँ जी, ये भी हैं, दो गाड़ी उधर भी खड़ी है, उधर भी टोल चल रही है। अच्छा जी, 113 वाले फड़ पे वहाँ भी टोल चल रही है, वहाँ छोटू लिख रहे हैं। अच्छा जी, एक इधर ये आदर्श ट्रेडर्स पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ भी टोल चालू हो गई, उसी की पर्ची अभी 150 कट्टे काट के दिया जी। अच्छा जी अच्छा, और यहाँ तो हम ही है। अच्छा जी अच्छा, हम तो ऑलराउंडर है जी, काटते भी लेते हैं लिख भी लेते हैं। 7-8 गाड़ियों रही जी। हाँ जी, गालियां भी दे लेते हैं, गालियां भी सुन लेते हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी अच्छा, चलो जी। तो बाबू जी आज की खास विशेष बात तो बता दी, प्याज में क्या चर्चा चल रही है आज की, प्याज में चर्चा ये चल रही है, बिक्री जी जैसे होती है बिक्री वैसे ही है, आज भी बिक्री ठीक है, लेकिन अराइवल ज्यादा है इस वजह से मार्केट आज भी 1-1.5 रुपए नीचे है। अच्छा जी, और पीछे भी मार्केट है 1-1.5 रुपए डाउन है। अच्छा जी अच्छा, तो आज के नासिक के बाजार कहाँ से कहाँ? नासिक के बाजार है जी 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। नासिक के बाजार 15 से 20 रुपए, और पूना के बाजार है 20 रुपए से 25 रुपया। पूना के बाजार 20 रुपए से 25 रुपए। हाँ जी हाँ जी, और जो अपना गोंडल वाले आ रहे हैं आपके, इसमें देख रहा था भाई मैं, गोंडल की गाड़ियां भी आ रही जैसे। हाँ जी हाँ जी, गोंडल भी सब लगभग ये समझो 15 से 20 रुपए के बीच में सब आ गई। एमपी भी आ गया छोड़ के। हाँ जी हाँ जी, बाकी सब आ गई। अच्छा जी अच्छा, और राजस्थान का कितना राजी? जो राजस्थान की तो 1-2 गाड़ी है, वो ज्यादा नहीं है, वो तो जैसे माल है 400-500-600 रुपए बिक रहे हैं वो। 500-600 रुपए मान जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी अच्छा, वही 13-15 रुपए क्यों जी। अच्छा जी अच्छा, तो आज की मेन बता दो ना जी, मार्केट कैसी चल रही, उठाव कैसा, कम से कम आप तो उम्मीद है जी 60-70 गाड़ियां बिक जाएंगी। 60-70 नहीं, 40 से 50 गाड़ी माल बिकेगा, 45-50 गाड़ी। पर्चियां तो आपके पास दी नहीं जा रही है। देखो जी आप ये मत देखो कि पर्चियां काटे जा रहे हैं जी,
पर्चिया काटे जा रहे, अभी तो काटे जा रहे हैं, माल तुलते जा रहे हैं, देखा जाएगा, पर 50 से गाड़ी माल तो बिकेगा। चलो 50 से गाड़ी तो बिक जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, 50 से 60 गाड़ी माल बिकेगा। अच्छा जी, हाँ जी, तो परसों से 1-1.5 रुपया डील है, डील है जी। हाँ जी। ये भी सिर्फ अराइवल के कारण, अराइवल के कारण, और जो कल ये अराइवल लिमिट यहाँ भी, यहाँ अराइवल, अराइवल भी ज्यादा है और फिर पीछे भी 1-1.5 रुपया ढीला है ना, तो उसका भी असर है ना जी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। कोई किसानों के लिए मैसेज छोड़ना? नहीं जी, किसानों के लिए सर मैसेज तो ये तो सब मकर संक्रांति, देखो हमारे हिंदुओं में ज्यादातर त्योहार जो है वो फसलों के ऊपर ही पूर्वजों ने बनाए हुए हैं। अच्छा जी, देखो जी ये मकर संक्रांति है, इस समय अब और फसलें जो हैं वो सब पकने के कगार पे आ जाती हैं, इसीलिए ये माना जाता है मकर संक्रांति। इधर सूर्य पूर्व दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उधर होली का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि उस समय गेहूं वगैरह फसलें कट रही होती हैं, तो ये अच्छा सब इसी हिसाब से। तो किसानों का भी समय ये लाल प्याज निकल रही है, निकालो और बेचो और क्या। अच्छा जी, अच्छा। ये रखने वाली प्याज तो होती नहीं है जी, इस तारीख में रखने वाली। अच्छा जी, तो निकालना और बेचना ही होता है जी। चलो जी, जो बाटा जेब में पैसे डाल लो जी। हाँ जी बिल्कुल, अभी चलो जी। तो वैसे भी ठंड का टाइम है बहुत ज्यादा। मियाँ जी कभी घड़े 10 रुपए के पीछे आपका काम रुको रहा जी, 100-150 कट्टे लेने वाले जी। देखो जी, अब ये मैं आपके जो वीडियो पे ऐसी बातें बोल नहीं सकता, इनके साथ तो मैं बोल लेता हूँ, बहुत कुछ बोल लेता हूँ। ये 10 रुपए का सवाल है जी। हमारे कुछ ग्राहक ऐसे ही जाते हैं ना, जिनके साथ हम हंस बोल भी लेते हैं।